इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आप भी रियलमी का डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, रियलमी का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें एरर शो होता है, इनसफिशिएंट स्टोरेज टू कंटिन्यू दिस ऑपरेशन, प्लीज़ क्लीन अप एंड रिट्राई। तो इस तरह से हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आती है जब रियलमी का कोई भी डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस एरर को कैसे फिक्स किया जाए या फिर ये एरर क्यों आता है, इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बेसिकली जो एरर को फिक्स करना काफ़ी इजी है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो एरर है उसमें जो लिखा है वो हमें समझना है। एरर का मतलब ये है कि हमारे फ़ोन में जो स्पेस है या फिर जो जगह है वो काफ़ी कम है, इसलिए आपको सबसे पहले जो फाइल्स का ऑप्शन है आपके फ़ोन में, इस तरह का जो फाइल्स का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से फाइल्स के ऑप्शन पर आकर एक बार आपको चेक कर लेना है आपके पास कितना स्टोरेज अभी बचा हुआ है। ये फ़ोन की रैम एंड स्टोरेज के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप एसडी कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आप जो भी आपने फ़ोन मेमोरी में जो भी डेटा वगैरह है वो एसडी कार्ड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो स्टोरेज है लगभग काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपने पास कितना डेटा वगैरह बचा हुआ है। फाइल्स के अलावा आप ये सेटिंग में जाकर भी चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपके सामने स्टोरेज का ऑप्शन नहीं आता है तो आप ऊपर सर्च सेटिंग का ऑप्शन का इस्तेमाल करके यहाँ पर स्टोरेज लिखेंगे और स्टोरेज आप जैसे ही लिखोगे आपके सामने स्टोरेज का जो भी ऑप्शन है वो खुलकर आ जाएगा। तो ये रहा स्टोरेज का ऑप्शन, इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने जो बता रहा है वो लगभग 50% हमने स्टोरेज इस्तेमाल किया है एंड अभी भी हमारे पास 50% स्टोरेज अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे सामने एक और चीज़ें आ जाती, मतलब हमने कहाँ पर कितना स्टोरेज इस्तेमाल किया हुआ है। तो अगर आप डेटा को स्टोरेज को हटाना चाहे तो जो भी सेक्शन आप हटाना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप कोई एप्लीकेशन हटाना चाहते हैं तो ऐप्स पर क्लिक करेंगे, जो जो ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखे वो यहाँ पर खुल जाएंगे। अब यहाँ से आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, इससे हमारा जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने में मदद होगी। तो यहाँ से हम इसे क्लियर डेटा वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो वीडियोस वगैरह है उसको भी आप हटाएंगे तो भी आपका जो स्टोरेज है वो काफ़ी हद तक बढ़ता है। तो कुल मिलाकर आपको अपने फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज इंक्रीज़ करना है, जिसके लिए आप एसडी कार्ड का इस्तेमाल करें और एसडी कार्ड में अपना जो फ़ोन मेमोरी का डेटा है वो शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।